हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी वी आप। अब तो दोस्तों इतने दिन बाद मैंने अपना व्लॉग बनाना चालू कराया, क्योंकि यार दोस्तों बहुत दिक्कत आ गई थी, इस वजह से मैं कुछ नहीं बना पाया था। दोस्तों आज कोरोना वायरस की वजह से हम लॉकडाउन है घर में, तो हमने सोचा कि ये जो हमारे मतलब हमारे घर के सामने रोड है, तो यहाँ से बहुत सारे गरीब मतलब जो मजदूर जो नोएडा की तरफ से आ रहे हैं और ये मतलब बहुत गरीब गुरबा आदमी, तो उन्हें हम खाना खिलाने की वो करें, तो इस वजह से मैं खाना वाना बन रहा है हमारे घर पर साइड में, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ पूरा, फिर हम चलते हैं उन्हें बांटने। तो दोस्तों सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पानी, हाँ तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं, थोड़ी देर में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब मजदूर लोग जो बिहार के मजदूर हैं और जो हमारी साइड के मजदूर लोग हैं, तो सब इधर होके ही जा रहे हैं, तो सब पूरा खाना पीना बन रहा है, बना रहे हैं, तो अब थोड़ी देर में सिकाई होगी, फिर हम पैक कर करके उन्हें देंगे। तो हमारे घर में सब आके लग गए थे, मेरी पूरी फैमिली मतलब हम सब आके लग गए थे, काम करवा रहे थे। मम्मी है ये मेरी साइड में, मैं बैठा हूँ, मैं पूरी पैक कर रहा हूँ, और एकदम सफाई से मतलब कोई हम ग्लव्स पहन के एक एक फुट की दूरी पे मास्क पहन के हम सफाई से काम कर रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के पास भी कोई भूखा हो, गरीब हो, मतलब उसको ना खाना मिल पा रहा हो, तो आप ज़रूर जाके उसे खाना दिलाएँ। और यही है, तो हम यही हमारे घर के पास से मतलब रोड है, इतने दिल्ली नोएडा से आके इतने बूढ़े मतलब बड़े बूढ़े और क्या मैं औरतें बच्चे पैदल चल चल के आ रहे थे, तो यार वो भूखे उनका क्या हाल हो रहा होगा भूख की वजह से, तो उसी वजह से ये हम पैक कर करके पूड़ी और सब्जी और लड्डू और बालूशाही, ये चार चीज़ हम कर रहे थे, और सफाई से एकदम, जो ज़्यादा गंदगी ना हो और ज़्यादा भीड़ ना हो, और दूर दूर से मतलब हमने जो जाएंगे अब तो हम मतलब दूर दूर होके ही बांटेंगे, और अगर नहीं आएंगे लोग मतलब इधर से, तो हम मतलब अड्डे वड्डे पर जाकर बांटेंगे, जो जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ आराम दे के आ जाएंगे, जहाँ भीड़ ना लगे ज़्यादा, उसी हिसाब से हम सब्जी पैक और ये पूड़ी एक में एक पैकेज में मैं छः छः पूड़ी पैक कर रहा हूँ, और दूसरी मतलब अगर ज़्यादा बुज़ुर्ग होगा उसको दो, और ये बच्चे छोटे हैं तो एक, यही है। और दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब कोई भूखा इस परेशानी की घड़ी में कोई भूखा हो, तो आप उसे ज़रूर मतलब भोजन कराएं यार, यही है बस। और देख लो आप सब लग के आके लग गए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आपके घर के पास भी कोई भूखा हो तो प्लीज़ उसे खाना खिलाएं, और ये परेशानी की घड़ी में उसका साथ दें यार, यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ आप समझ सकते हैं वायरस क्या कर रहा है। और सफाई से मतलब कोई भी अगर आपको देना है मतलब, तो आप मतलब एकदम ग्लव्स पहन के आप मास्क लगा के एक फुट की दूरी पे अपने हाथों को सैनिटाइज करके मतलब काम करें ज़्यादा, यही कहना, थैंक यू। तो दोस्तों इसी रोड पे होके इतने बुज़ुर्ग और औरतें मतलब दिल्ली नोएडा से जो मजदूर लोग हैं वो इसी रोड से होके जा रहे थे, जो हमारे घर से मतलब पास में ही है, गली में से निकलते ही बाहर यही रोड है, मेन रोड। तो दोस्तों हम मतलब ये जो मतलब खिलाने का काम कर रहे हैं एकदम सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, जो हमारे ग्लव्स फट गए थे तो हमने ये पॉलीथीन बांध ली अपने हाथों पर, और हम भीड़ भी नहीं भैया।
तो दोस्तों ये देखो इतनी पब्लिक आ रही है, छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े, मतलब आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए कितने छोटे छोटे बच्चे पैदल चल चल के आ रहे हैं। देखो सिर पे यार इन्हें खाना बनाना तो बनता है, भूखे लोग यार कितनी दूर से आ रहे हैं। रास्ते में कुछ पैसे भी होंगे तभी भी नहीं, कुछ होटल ना दुकान कुछ ना खुला, सोच सकते हो आप।